नहीं यार, मजा नहीं आ रहा। क्या मतलब मजा नहीं आ रहा? सब कुछ अच्छा तो चल रहा है। आई नो सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कब तक? सेम कैरेक्टर्स, सेम रोल्स, हिट हो या फ्लॉप डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी एनी मोर यार। लगता है हम अखा एक्टिंग में वक्त जाया कर रहा हूँ अपना। कभी कभी सोचता हूँ कि पापा ने इतना कुछ छोड़ा है मेरे लिए कि सारी जिंदगी भी उस पैसे पर गुजारूँ तो बड़े आराम से गुजर सकती है। थक गया हूँ यार, इनफ। यू नो व्हाट आई एम थिंकिंग दीस डेज? आई वांट टू क्विट। व्हाट? हाँ बस बहुत हो गया। आई थिंक इट्स इनफ। इतने सारे पोस्टर्स आर्यन खान के तुम्हारे रूम से उतारे थे कि तुमने उनकी जगह अपने लैपटॉप पे बना ली। तो क्या ऐसा डाई हार्ट फैन मैंने कहीं नहीं देखा भाई। हाँ इतनी ही बड़ी फैन हूँ। और वो जो मुल्क से बाहर बैठा है तुम्हारा हीरो, तुम्हारा मंगेतर, तुमसे शादी के इंतजार में, उसका क्या? वो तो मेरी मोहब्बत है और आर्यन खान की मैं सिर्फ फैन। तुम तो अच्छी तरह जानती हो रमशा, शुरू से फैन हो। चलो तुम्हारे इस आर्यन खान से फैन फॉलोइंग का हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा प्लीज मेरे कपड़े रेडी कर दो, मुझे जन्नत होम जाना है, आंटियां मेरी वेट कर रही होंगी। कर देती हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हारी छोटी बहन कहाँ हूँ, मैं तो आपकी नौकरानी। बिल्कुल नहीं, तुमसे मुझे बहुत प्यार है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें नाश्ते के लिए बुलाने आई थी, आ जाओ जल्दी। ओके आ रही हूँ। अच्छा किया तुमने मुझे समझाया, तुम्हें पता है ना तुम मेरे लिए क्या हो। तुम कजन नहीं हो, मेरे भाई हो, मेरा दोस्त, मेरा सब कुछ। माँ बाप के गुजरने के बाद जिस तरह तुमने मेरा ख्याल रखा है, इस तरह तो शायद मेरा सगा भाई भी नहीं रखता। लेकिन आई एम सॉरी यार, अपना फैसला नहीं बदल सकता। सही कह रहे हो, तुम्हें पता है ना जैसे मामा और खाला में प्यार था वैसे ही हमारा ही रिश्ता है। तुम्हारे लिए स्टार्डम छोड़ना आसान होगा, इतने फैंस हैं तुम्हारे, तुम्हें जी जान से चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं तुमसे। ऐसी जिंदगी को कैसे छोड़ा जा सकता है? सही कह रहे हो, आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच अ ह्यूज फैन बेस। लेकिन अब क्या करें यार, सब कुछ तो अचीव कर लिया, सारे ख्वाब पूरे हो गए, जो पा रहा था पा लिया। शेर सुने तूने? अब किसे चाहें किसे ढूंढा करें, वो भी आखिर मिल गया, अब क्या करें? तो अब क्या करें मेरे भाई, साहब मैं थक गया हूँ यार, अपनी जिंदगी जीना चाहता। चाहे चकाचौंध करने वाली रोशनियाँ ना हो, लोगों की भीड़ ना हो, मैं अपनी जिंदगी तन्हा गुजारना चाहता, अपनी मर्जी से, एक आजाद परिंदे की तरह। जा ठीक है, अब तुमने सोच लिया तो क्या कर सकता हूँ मैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट तुमने स्टार्ट किए हैं
उन्हें तो मुकम्मल करोगे ना? कोर्स यार, जो पुरानी कमिटमेंट्स हैं उनको तो नहीं छोड़ सकता ना, लेकिन जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके प्लीज एडवांसेस वापस कर दो, बल्कि जो टाइम लॉस हुआ है उसकी एक्स्ट्रा मनी दे देना, लेकिन अब नहीं प्लीज। चलो अब उसी डायरेक्टर की कॉल आ रही है जिसका भी तुमने प्रोजेक्ट साइन किया, मैं क्या बोलूँ उससे, सुबह से कॉल कर रहा है मुझे। कुछ भी कह दो, कॉल डेट्स अवेलेबल नहीं है, आप कोई भी बहाना कर दो, लेकिन डिसेंटली मना करना, उसको बुरा ना लगे, ठीक है? शाबाश। जी शेब भाई, नहीं शेब भाई, डेट्स अवेलेबल नहीं है आर्यन की, मैं आता हूँ ना आपसे करता हूँ ना बात। नहीं मैं कह रहा हूँ ना, मैं आता हूँ आपसे इस बारे में डिटेल से बात करता हूँ। बस ये चाचा आपके पैसे। एक बात पूछूं बेटा? जी चाचा। तुम रोज यहाँ मेरे साथ आती हो और आके इस इदारे में इंसानियत की खिदमत करती हो, अल्लाह ताला ना तुम्हें इसका बहुत बड़ा अजर देगा। शुक्रिया चाचा, मगर मेरा ख्याल है कि इंसानियत की खिदमत के लिए किसी एक इदारे की जरूरत नहीं होती, हम अगर किसी को रोज छोटी सी खुशी भी दे देना तो समझे हमने इंसानियत की खिदमत का एक पौधा लगा दिया। ठीक कहती हो बेटा, जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम सीमा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक शर्बाना हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं मेरे फैमिली मेंबर्स कैसे हैं? आपके फैमिली मेंबर्स बिल्कुल ठीक हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरा बैग रखिए, मैं जरूर जाके उनसे मिलूं। अस्सलाम वालेकुम कुलसुम आंटी, असमा आंटी और मेरी सबसे प्यारी साजिदा आंटी, कैसे हैं आप? वो खुश रहो। तायरा आंटी क्या कर रही हैं आप? ओ बुक पढ़ रही हैं। और आप? अच्छा तो आज वॉशिंग मशीन लगाई जा रही है, वेरी नाइस। आप कौन सी स्टोरी पढ़ रही हैं? पता है मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है जो आप स्टडी करती हैं बुक्स, रियली नाइस। लगता है आज बहुत मजे का लंच बनने वाला है, खा के जाएंगे जरूर। सुबैदा आंटी की तरफ? वो बाहर है, सुबह से बहुत उदास है बेचारे। मैं देखती हूँ। सुबैदा आंटी। अरे शेरबानो, आप अकेली यहाँ क्या कर रही हैं बैठी और इतनी उदास? That's not fair. बेटी क्या पता था कि तुम मुझसे मिलने आओ। अच्छा ये बताओ कि कैसी? मैं बहुत अच्छी और आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छी, सबसे ज़्यादा प्यारी। प्लीज़ मुस्कुराया करें, बहुत खूबसूरत लगती हैं आप मुस्कुराती हुई, और मैं इतने दिन के बाद आई हूँ, आप ऐसे मिलेंगी मुझे? ये देख, ब्रश भी नहीं किया हुआ, बाल ड्राई हो रहे हैं, क्या करती हैं? अभी आपको ऑयलिंग करती हूँ। नहीं नहीं, दिनों के बाद आई, बस यहाँ मेरे पास बैठो, बातें करो ना। बातें करते हैं ना, साथ साथ ऑयलिंग भी करते हैं, एक साथ। चलें आए, इधर आके बैठे, जल्दी आ जाए आ जाए। इतने अच्छे बाल हैं आपके, मगर आप ख्याल बिल्कुल नहीं रखती, अब देखना कितने अच्छे हो जाएंगे। इतना ख्याल करती हो ना तुम, कितना प्यार करती हो हम सब से, ये
तेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें भी बहुत प्यार करने वाला शोहर दे, जितना प्यार तुम हम सब से करती हो। इतना ज़्यादा प्यार मैं क्या करूँगी ज़ुबैदा आंटी, बस आप दुआ किया करें, जितना भी करें सिर्फ मुझसे करें और किसी से नहीं। आज ना मुझे मेरा बेटा बहुत याद आ रहा है। तुम मिली उससे? पूछा वो कब आएगा मुझसे मिलने? हाँ हाँ, मैंने की थी उनसे बात, वो कह रहे थे कि वो जल्दी आएंगे, सॉरी कर रहे थे कि वो अपनी मदर से मिल नहीं सके, वो शहर से बाहर हैं, वापस आते ही आपसे मिलने आएंगे, आप फिक्र ना करें। अच्छा मुझे ये बताएं, आज लंच में क्या खा रही हैं आप? पता नहीं, मैं पता करती हूँ लंच में क्या है आज, मैं आपके साथ लंच करूँगी आज, बल्कि किसी दिन सारी गर्ल्स मिल के बाहर जाते हैं खाने पर, बहुत मज़ा आएगा। जीती रहो, खुश रहो। हरियान को पता है इसके बारे में? अगर पता होता तो अब तक मुझे फोन कर चुका होता, शायद सो रहा होगा, रात में मिला था, कुछ डिस्टर्ब लग रहा था मुझे। स्टॉप, वो क्यों? पता नहीं यार, सोफिया खुल के बात नहीं करता, वो समझ नहीं आ रही उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कह रहा था तंग आ गया हूँ, ये शोबिस की ज़िंदगी छोड़ना चाह रहा हूँ। छोड़ना चाह रहा हूँ क्या मतलब है, क्या ब्रेक ले रहा है? हमेशा के लिए छोड़ना चाह रहा है। क्या मतलब है, पागल हो गया क्या? इस तरीके से इंडस्ट्री कौन छोड़ता है इस मकाम पर आकर? मतलब अगर ब्रेक लेना चाहता है तो उसको बोलो जाके बाहर मुल्क जाके घूम आए, मेबी दैट रिलैक्स हिम, इट क्लियर हिज माइंड। फिर मैंने सब कह के देख लिया, उससे सारी बातें कर ली हैं, और इतनी बड़ी बड़ी ऑफर्स आ रही हैं, वो सबको इनकार कर रहा है यार। किसी लड़की का चक्कर तो नहीं? कोई लड़की नहीं है उसकी जिंदगी में सोफिया, अगर कोई होती तो सबसे पहले वो मुझे बताता। अभी तक नहीं है तो आ जानी चाहिए, ट्रस्ट मी, आर्यन खान की जिंदगी में जब लड़की आएगी ना तो आर्यन खान बदल जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ शायद सही कह रही हो, अल्लाह करे ऐसे ही हो। हाँ लत से है, कहीं शायद ढूंढनी पड़ेगी कोई लड़की, है वैसे कोई इन माइंड? नहीं अभी तक तो कोई नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में? तुम मेरे छोड़ो, पहले उसे देख लो जो यहाँ से भाग रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा। नायल कैसे हो, बिजी तो नहीं थे? तुम बताओ वहाँ पर अंकल आंटी रमशा सब कैसे हैं? सब ठीक है। पता है तुम्हें, मैं कल सारा दिन वेट करती रही और तुम हो कि तुम्हें फोन भी नहीं किया मुझे। हाँ ना, मैं बिजी हो गया था ना, तो मुझे कॉल कर ले। तुमने कॉल क्यों नहीं की मुझे? शर्म करो, शर्मिंदा भी नहीं होते ना तुम तो। शर्मिंदा भी इतने प्यार से करती हूँ ना कि बंदे कोई शर्म ही नहीं आती। ये तुम किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो बाय द वे? कम से कम तुम्हें तो नहीं, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, मेरी मजाल जो मैं तुम्हें बेवकूफ बनाऊँ, मैं क्या? तुम्हें कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। तुम्हें पता है नायन आज जुबैदा आंटी ने मुझसे क्या कहा? मुझे इसलिए कॉल करी थी, तुम आज जन्नत हो गई थी, मैं हाँ वहाँ खुश हो रहा था कि तुम मुझे मिस कर रही हो। मैं तो एक्चुअली अपने सहेलियों की कहानियाँ सुना रही थी मुझे। अच्छा सुनो ना, उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने मेरे लिए दुआ की है कि मुझे ऐसा दूल्हा मिले जो दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करे।
ओके, तो तुमने उन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? मैंने उनसे कहा कि मुझे इतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं चाहिए, बस जितनी भी करे दिल से हो और प्योर हो। ये तो तुम्हारे आर्यन खान की फिल्म का डायलॉग है ना, प्यारी प्यार में, यही नाम था ना फिल्म का? अरे हाँ, तुमने वो मूवी देख ली? सच्ची सच्ची बताना मुझे प्लीज, कैसी लगी? अपना ऑनेस्ट वाला ओपिनियन देना। कैसा लगा तुम्हें आर्यन का कैरेक्टर? आई थिंक ही वाज द बेस्ट इन दिस मूवी। आर्यन खान के बारे में तुम हमेशा वैसे यही कहती हो, चाहे उसकी कोई फिल्म आ रही हो या कोई ड्रामा हो, तुम्हें हमेशा उसका वही बेस्ट लगता है, जब तक उसका कुछ नेक्स्ट ना आ जाए। हाँ ये तो है। अच्छा तुम ये बताओ, तुमने एंड देखा? कितना नेचुरल था। गॉड फॉरबिड, ऐसे लग रहा था आर्यन को सच्ची में कुछ हो गया, और मैं उस सीन को देख के इतना रोई नायल, बार बार देखे जा रही हूँ यूट्यूब पे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। संडे का दिन है, कॉलेज भी नहीं जाना, फिर भी इतनी जल्दी उठ गए हो। बाबा आपको तो पता है ना, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन वैसे ही आंख जल्दी खुल जाती है, और जिस दिन कॉलेज जाना उस दिन सिर्फ नींद आती है। अच्छा अब जल्दी से बताओ क्या नाश्ता करोगी? आप छोड़ें, आज मैं बनाऊंगी नाश्ता। आप बताएं आप क्या लेंगे नाश्ते में? अगर तुम बनाओगे तो मुझे सिर्फ एक कप चाय दे दो। ये क्या बात हुई बाबा, मैं बना लूंगी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम क्या बाबा की रूटीन चेंज कर रही हो? संडे वाले दिन का नाश्ता मुझे बाबा के हाथ का पसंद है। देखो ना, चलो चलो अब देर मत करो, प्लेट्स लगाओ, मैं जल्दी से लेके आ रहा हूँ चीजें। जी बाबा आपने बुलाया। हाँ बेटा, मैंने तुमसे कोई बात करनी। जी वो माफी मांगनी है तुमसे। माफी किस बात के लिए? बेटा मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है आलिया से शादी करके। ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम उससे नाराज हो। ऐसा कुछ भी नहीं है बाबा, आप प्लीज़ अपने दिल पे बोझ मत लें। अभी कुछ ही दिन हुए हैं आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हुए, डॉक्टर ने आपको मना किया है। प्लीज़ ऐसा कुछ मत सोचें, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। बेटा जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मुझे कहने दो, मेरी ये बातें तुम्हारे लिए बहुत अहम है। आलिया से शादी मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से की, ताकि तुम्हारी जिंदगी में माँ की कमी पूरी हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगा बेटा कि ऐसा हुआ, मुझे लगा कि इस शादी की वजह से तुम्हारे और मेरे दरमियान दूरी और बढ़ गई। ऐसा कुछ भी नहीं है बाबा, आप खाम खाम में ओवरथिंक कर रहे हैं। मेरे आपके दरमियान कभी दूरी नहीं आ सकती, कभी भी नहीं। बेटा मैं अपना सारा बिजनेस, प्रॉपर्टी और बैकेंड्स तुम्हारे नाम कर, ओ फरहान आता होगा डाकू मिल सी। अच्छा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? ये प्रॉपर्टी, ये बैंक बैलेंस, ये पैसा, ये सब कुछ आपके बगैर बेमानी है। मुझे बस आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेटा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आलिया पैसों के मामले में बहुत लापरवाह है। अगर मैंने सब कुछ उसके हवाले कर दिया तो ना कुछ उसके लिए बचेगा और ना तुम्हारे लिए। और मुझे ये भी पता है कि तुम उससे नहीं मांगोगे। लेकिन बेटा अगर वो मांगे तो उसे देता ना, इस तरह मैं देता।
उसका ख्याल रखना बेटा जिस तरह मुझे रखता था। क्या मतलब है ख्याल रखता था? आप ही रखेंगे उनका ख्याल और हमेशा रखेंगे और आपको कुछ नहीं होगा। और प्लीज़ ऐसी बातें दोबारा मत कीजिएगा, मेरा दिल डूबने लगता है। बस बेटा मैंने आपको कहना था कह दिया। एक्सक्यूज मी, आप आर्यन खान हैं? नहीं जी। नहीं नहीं, आप आर्यन खान हैं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, क्या प्लीज आप मेरे साथ एक सेल्फी ले सकते हैं? देखिए मैं अपने वालिद वालदा की कब्र पर आया हूँ, जस्ट सुकून से फातिहा पढ़ने दीजिए प्लीज़। बस एक साइन मना करो इनको। ये कौन सी जगह तस्वीर ली? देखिए मेरे चाइनों का दिल रह जाएगा गई बात में। दे दे फोन साइन ठीक बात। ये रहा। थैंक यू। अजीब लोग हैं यार, इतनी तमीज नहीं है कि कब्रिस्तान है, यहाँ तस्वीरें कौन खिंचवाता है? चलो कई बात नहीं। बाबा बहुत मजे का ऑमलेट बनाया आपने। थैंक यू बेटा। वैसे शेरी मैंने तुम्हें इंस्टाग्राम पर कुछ भेजा था आर्यन खान के बारे में, तुमने देखा नहीं? कब भेजा? मैंने नहीं देखा। रात में भेजा था आर्यन खान के बारे में, वैसे तो बहुत बड़ी फैन बनती हो उसकी, इतनी बड़ी न्यूज़ भेजी थी और तुमने देखी भी नहीं अब तक। कौन सी न्यूज़? सब ठीक है ना? देखो भाई रमशा, अगर कोई बुरी खबर है तो प्लीज़ अभी मत बताना, जरा नाश्ता वाश्ता कर लें फिर उसके बाद साथ बैठ के रोएंगे। अल्लाह ना करे बाबा, हम क्यों रोएंगे एक साथ बैठ के। अच्छा, और वो जो रात को आपने आर्यन खान की मरने वाली फिल्म दोबारा लगाई हुई थी, नया वाला टिश्यू का डब्बा पूरा खाली मिला है मुझे लाउंज में, रो रो के बुरा हाल कर लिया तुमने अपना। आपको पता ना मैं इमोशनल हो जाती हूँ, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। बताओ ना क्या न्यूज़। ये देखो झूठ है ये सब बाबा, आप तो जानते हैं ये सोशल मीडिया वाले अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बना देते हैं, मैं नहीं मानती। ये बात तो ठीक है। सोर्स ऑफ न्यूज़ क्या है? क्या फर्क पड़ता है, सोर्स मैटर करता है या न्यूज? मैटर ये करता है कि न्यूज़ किसके बारे में, अगर वो कोई स्टार है तो इसका मतलब है मसाले के साथ होगी न्यूज़। मुझे भी तो बताओ हुआ क्या है, आर्यन खान शादी कर रहा है या कोई छुपी हुई शादी निकल आई है? बाबा ऐसे कैसे हो सकता है, आर्यन खान के बारे में बात हो इतनी बड़ी न्यूज़ और किसी को पता ना हो। वो इसलिए बेटा कि तुम जैसे पागल फैन समझते हैं कि वो सब जानते हैं, हालांकि लोग उनके बारे में इतना ही जानते हैं जितना वो दुनिया को बताना चाहते हैं, इसीलिए तो उनको स्टार कहते हैं, नजर के सामने और बहुत से दूर। चलो अब नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है, इस खबर का भी पता लगा लेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम हमें ये बताएं, माशाल्लाह आपका खुद इतना बड़ा नाम है आपके सोशल वर्क की वजह से एज अ बिजनेस वूमन, इसके अलावा भी शेयर के तकरीबन हर इवेंट में दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ अरसे से ये महसूस किया जा रहा है कि आपका नाम आर्यन खान की माँ के नाम पर लिया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? आप अपना काम कर रही हैं या आर्यन खान का नाम इतना बड़ा हो गया कि आप वो हवाला बनकर रह गया है, और एक माँ की हैसियत से आप इस बात को किस तरह देखती हैं, कुछ बताएंगी प्लीज़?
हमारे मुल्क में कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बेटे या बेटी के नाम से पहचाने जाते हैं? बहुत ज़्यादा नहीं ना, लेकिन आई एम द लकी वन। आर्यन मेरा बेटा, वो मेरी पहचान है। एक माँ के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मुझे बहुत फख्र है इस बात पर। लेकिन मैम, कल से सोशल मीडिया पर एक पिक्चर वायरल हो रही है जिसमें सर आर्यन एक ग्रेवयार्ड में है और कहा जा रहा है कि वो अपनी माँ की कब्र पर गए थे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? पता नहीं, मैं ज़्यादा ना सोशल मीडिया पे जाती नहीं हूँ, ना मीम्स देखती हूँ, ना वायरल चीज़ें देखती हूँ। मुझे नहीं मालूम विच पिक्चर आर यू टॉकिंग अबाउट। देखिए, आर्यन एक सुपरस्टार है। उसकी अचीवमेंट और कुछ थोड़ी बहुत मेरी भी अचीवमेंट इतनी ज़्यादा है इस मुल्क के लिए कि बेहतर नहीं होगा हम उनके बारे में बात करें बजाय पेटी गॉसिप के और सोशल मीडिया स्टफ के? आज कैसे चक्कर लगा लिया सबीन? मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? तुम्हें भी तो मुझसे मिलने का टाइम नहीं मिलता, तो मैंने सोचा कि मैं ही आ जाती हूँ। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ऑनलाइन बिजनेस कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक चल रहा है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? शादी वादी तो नहीं करी तुम? नहीं, उससे भी बड़ा सरप्राइज। वो क्या? तुम्हारे ख्वाबों का इजाजत नामा। सबीन, पहेलियां मत बुझाओ, क्या ये? और ये एक बहुत खास इवेंट के इनवाइट्स, और वहां आ रहा है the one and only आर्यन खान, और हम सब दोस्त मिलके वहां जा रहे हैं। ये है उसके इनवाइट्स। तुम झूठ तो नहीं बोल रही? ये इनवाइट्स कैसे मिले? अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम खुद देख लो। ओह माय गॉड, आर्यन वाकई में आ रहा है? तुम्हारी एक्साइटमेंट देख के मुझे तो लगता है तुम अपने ड्रीम बॉय को देखकर पागल ना हो जाओ। ये बात गलत है सबीन, तुम जानती हो मेरा ड्रीम बॉय कौन है? मेरा मंगेतर नायक। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही, क्योंकि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, मैं जानती हूँ। चलो, इस बात की खुशी में मैं तुम्हें अच्छी सी चाय बना के पिलाती हूँ। चाय का ये ले फूफो, आपकी चाय। थक गई होंगी आप बहुत। थैंक यू। थक तो गई हूँ। वैसे आपको नहीं लगता आपने पिक्चर वाली बात का सही जवाब नहीं दिया? कोई भी न्यूज़ बना के चला देंगे वो लोग। चला दे, नेगेटिव पब्लिसिटी इज आल्सो पब्लिसिटी। लेकिन अगर आर्यन से डायरेक्ट पूछ लिया फिर? आई एम श्योर आर्यन भी रिएक्ट नहीं करेगा। Don't worry. शेरी, तुम आर्यन खान की फैन हो इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। यार, बात फैन की नहीं है, बात है इंसानियत की। ये सोशल मीडिया वाले लोगों को तो शर्म बिल्कुल नहीं आती ना। हम लोग किसी के पेरेंट्स के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? आर्यन खान जैसे एक्टर हमें इंटरटेन करते हैं और बदले में हम क्या देते हैं उनको? गलत बातें उनके पेरेंट्स के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि किसी का एक कमेंट, किसी का एक वर्ड किसी को कितनी तकलीफ दे सकता है। कुछ लोग तो इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर सिवाय ट्रोलिंग और बुरे बातों के और कुछ भी नहीं है। पड़ोसी ममालिक के एक्टर्स कुछ भी करें उनको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, और यहाँ अपने एक्टर्स को तो बिल्कुल ही बुरा बना दिया जाता है। यही तो मैं कह रही हूँ कि आर्यन खान भी हमारी तरह एक इंसान है। हमें ऐसे किसी इंसान के बारे में भी गलत बात नहीं करनी चाहिए। अब तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में कोई गलत बात करे तो मैं कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? तो वो भी इंसान है यार। Enough is enough यार, बर्दाश्त की हद होती है। एक्टर हो तो क्या हुआ, जिसका जो दिल चाहेगा मुंह में आएगा बोल देगा, जो दिल चाहेगा लिख देगा, बगैर ये सोचे समझे कि मैं क्या फील करूंगा, मैं क्या महसूस करूंगा। आलिया आंटी के साथ तस्वीर लगा के मेरी माँ का जिक्र किया उन्होंने, जो कोई छोटी बात नहीं है। अब ये तस्वीर बगैर परमिशन के सोशल मीडिया पे चलेगी, इतनी अखलाकियात नहीं है लोगों को? नहीं है अखलाकियात आर्यन, ये लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है लेकिन तुम इसे बड़ी बात बना दोगे। प्लीज़ अपना मूड ठीक करो यार, और बीना को कॉल मत करना,
तुम कल के इवेंट पे जा रहे हो, ओके? और अगर वहाँ पे कोई इस तरह की फजूल सवाल करेगा तो तुम खुद हैंडल करोगे जैसे हमेशा करते आए हो। नहीं सॉरी, मैंने किसी इवेंट पे नहीं जाना और ना ही मैंने काम करना है। कमेंट्स पढ़े थे तुमने? ये लिखा था कि मैंने शोहरत की खातिर अपनी माँ को मार दिया। मजाक उड़ा रहे थे लोग, हंस रहे थे। इन लोगों के लिए काम करूं मैं? इन लोगों को एंटरटेन करूं? नहीं करना काम, पर नहीं जाना मैंने। ये देखो, ये शायद देखा नहीं है तुमने, ये लड़की सुबह से लोगों के फजूल कमेंट्स का जवाब दे रही है। आर्यन क्यों कर रही है ये सब कुछ? ये उन सब फैंस में से एक है जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, जिन्हें तुम्हारी फीलिंग्स का अंदाजा है, तुम्हारी फीलिंग्स की फिक्र है। ये सब तुम्हारे लिए कर रही है और लोग इसे गालियां दे रहे हैं। आर्यन मेरे लिए नहीं कर रही, शोहरत के लिए कर रही है, लाइमलाइट के लिए कर रही है। अंदाजा भी तुम क्या कह रहे हो? जहाँ इतने लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, वहाँ तुमसे मोहब्बत के इजहार करने वाले लोग भी मौजूद हैं। मैं तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारे फैन हैं। मैं तुम्हें इसके IDDM कर रहा हूँ, शहरबानो नाम है। देखो समझो कि क्यों ये अकेली इतने सारे लोगों के साथ लड़ रही है, लोगों के फजूल कमेंट्स का जवाब दे रही है। क्या करे? ये शायद देखा नहीं है तुमने, ये लड़की सुबह से लोगों के फजूल कमेंट्स का जवाब दे रही है। आर्यन क्यों कर रही है ये सब कुछ? ये उन सब फैंस में से एक है जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, जिन्हें तुम्हारी फीलिंग्स का अंदाजा है, तुम्हारी फीलिंग्स की फिक्र है। ये सब तुम्हारे लिए कर रही है और लोग इसे गालियां दे रहे हैं। आर्यन बात कर सकते हैं, आर्यन खान जैसे एक्टर हमें एंटरटेन करते हैं और बदले में हम क्या देते हैं उनको? गलत बातें उनके पेरेंट्स के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें कि आर्यन खान भी हमारी तरह एक इंसान है। हमें ऐसे किसी इंसान के बारे में भी गलत बात नहीं करनी चाहिए। कितने बजे तुम्हारा इवेंट? पता नहीं यार, मेरे ख्याल 3-4 बजे होगा। क्या पहन रहा हूँ मैं? एक बहुत ज़बरदस्त जैकेट बनाया है तुम्हारे लिए। आई एम श्योर यू लव इट। सैरी ज़रा आर्यन साहब का जैकेट दिखाना। शो मी। ये एंड वेयर इट विथ लाइक अ वाइट फॉर्मल शर्ट एंड ब्लैक फॉर्मल पैंट्स। ठीक है। ट्राई तो कर लो। अरे यार पता है ना तुम्हारे मेजरमेंट्स मेरी। फेवरेट क्या करना है? गाड़ी पर रखवा दे। साइन बता रहे कि तुम्हारा यही एटीट्यूड है काम पे भी। ऐसे कैसे चलेगा आर्यन? ऐसे ही चलेगा जैसे अब तक चल रहा है। प्लीज डोंट वरी। कम ऑन आर्यन, आई एम वरीड अबाउट यू। तुम्हें फोकस करना है। तुम्हारे काम से जुड़े बहुत लोगों की रोजी रोटी लगी है। Can't go on. और कुछ? नहीं, कुछ नहीं। सोफिया, ए, जो इतनी बड़ी डिजाइनर बनी हुई हो ना, तो ये दुनिया के लिए हो, ठीक है? मेरे लिए तो मेरी बेस्ट बड़ी और खालाजाद बहन हो। सबसे बेहतर मुझे कौन जानेगा यार? तुम्हें पता है ना, एक बार मेरा किसी चीज से दिल उठ जाता है तो फिर हमेशा के लिए उठ जाता है। शोबिज़ से, इस फेक दुनिया से मैं तंग आ गया यार। इतना वक्त गुजार लिया, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट एनीमोर। बस बहुत हो गया। देखो आर्यन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्लीज सर अब दो बार सोच लेना। दो बार नहीं, 1000 बार सोच लिया, ठीक है?
चलो अब इसके बारे में बाद में आराम से बात करेंगे। इतनी देर हो गई, अभी तक आ जाना चाहिए था आर्यन खान को। शेर बाबू, ये जो सुपरस्टार्स होते हैं ना, ये कभी वक्त पर नहीं आते। सुनो, आर्यन खान हमेशा अपने वक्त पर आता है। मुझे लगता है वो आ गया। चले चल के देखते हैं। चलो चलो चल के देखते हैं। चलो सामने जो लड़की खड़ी है ये वही है इसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। हर पल हसीन सिर्फ ग्रीन।